अब इस चेक के साथ तुम्हारा इस परिवार से नाता टूट जाता है। एक बात कान खोलकर सुनो, आज के बाद एडी या फिर इस परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने की कोशिश भी मत करना। या श्योर। राधिका, एडी, दी, इतनी रात गई राधिका यहाँ क्यों आई थी? वो अपना कुछ सामान भूल गई थी, वो वापस लेने आई थी, बस। ये भी कोई तरीका है? कम से कम हम सबसे मिलके तो जाती। एनीवे, वो छोड़ो ना। तुम ये बताओ, तुम इतनी रात गए क्या कर रहे हो? अभी तक सोए क्यों नहीं? मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी, अजीब सी उलझन में है। कैसी उलझन? पापा की विल में जो क्लॉज है, जो शर्त है, उसके बारे में सोच रहा हूँ। तुम ज्यादा सोचो मत आदि, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। दीप, अगर मैं इस शादी के लिए ना करूं तो क्या सचमुच हम सब रास्ते पर आ जाएंगे? हाँ जी, हम रास्ते पर तो आ ही जाएंगे, पर तुम चिंता मत करो। तो क्या हुआ अगर हम रास्ते पर आ जाएंगे? हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। तुम्हें ये शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे ना मानूं दी? मैं बच्चों को बेघर होते हुए नहीं देख सकता। दी, मैं जानना चाहता हूं कि पापा ने ऐसी शर्त क्यों रखी थी। शायद वो तुम्हारी हरकतों से वाकिफ हूं, तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहते हो, पर तुम इस बारे में मत सोचो। अभी जाओ और सो जाओ, कल सुबह फ्रेश उठोगे तो शायद इस बारे में कुछ सोच पाओ। जाओ आगे सो जाओ। सो जाओ एडी, सो जाओ। तुम्हारी दी है ना, सब कुछ संभाल ले। और वैसे भी राधा से तुम्हारी शादी तो होकर रहेगी, क्योंकि ये तुम्हारी कुंडली में लिखा है और ये कुंडली संघमित्रा ने बनाई है।